सदियों के इंतजार के बाद आखिरकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। राम भक्त अपने आंसू नहीं रोक पाए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जैसे की। इस दृश्य को जिसने भी देखा वो भाव विभोर हो उठा। राम मंदिर में अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब आम लोग जो भी उनके भक्त हैं वो उनके दर्शन कर सकेंगे, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कब होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में जरूर होंगे। पूरा मंदिर कब बनेगा, आरती का वक्त क्या होगा, टिकट की बुकिंग कैसे हो सकेगी? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मैं रचना आपके सामने हाजिर हूँ। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में हम आपको इन तमाम जानकारियों से अवगत कराएंगे। सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि आखिरकार मंदिर में दर्शन कब से कब तक किया जा सकता है। राम मंदिर को आम लोगों के लिए 23 जनवरी यानी आज से ही खोल दिया गया है। हर दिन तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहां पर आने का अनुमान लगाया गया है। इसलिए रामलला के दर्शन के लिए हर एक श्रद्धालु को 15 से 20 सेकंड का वक्त मिल सकता है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि दर्शन कब किया जा सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट के अनुसार मंदिर को दर्शन के लिए सुबह और शाम 9:30 घंटे खोला जाएगा। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक दिन में और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रामलला के दर्शन आप कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं कि आरती का वक्त क्या होगा। दरअसल वेबसाइट पर जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक सुबह 6:30 बजे और शाम को 7:30 बजे आरती का वक्त होगा। सुबह की आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग करवानी होगी और शाम की आरती के लिए भी उस दिन बुकिंग हो सकती है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर कि आखिरकार ये बुकिंग कैसे होगी, ये भी हम आपको बताते हैं। आरती में शामिल होने के लिए पास जारी किया जाएगा। ये पास श्रीराम जन्मभूमि के कैंप ऑफिस से मिलने वाले हैं। आरती शुरू होने से आधे घंटे पहले आपको ये पास मिल जाएगा और पास लेने के लिए सरकारी आईडी प्रूफ आपको साथ ले जाना ही होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर भी ये पास लिया जा सकता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या सबको मिलेगा पास, तो इसका जवाब है पास फ्री में जारी किया जाएगा। ये एक वक्त की आरती के लिए फिलहाल 30 लोगों को ही मुहैया कराया जाएगा, यानी 30 लोगों को ही शुरुआती दौर में ये पास दिए जाएंगे आरती के लिए। बाद में इस संख्या को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि मंदिर पूरा कब तक बनेगा। राम मंदिर निर्माण समिति के मुताबिक इस साल मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा और साथ ही 23 जनवरी से ही पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ निर्माण कार्य जो कुछ वक्त के लिए रोका गया था वो वापस शुरू हो जाएगा। राम मंदिर का पूरा परिसर 70 एकड़ में बन रहा है। मुख्य मंदिर के अलावा 6 मंदिर और भी बनने हैं और परिसर में राम मंदिर के अलावा गणपति मंदिर, माँ अन्नपूर्णा मंदिर, माता भगवती मंदिर, शिव मंदिर और हनुमान मंदिर भी बन रहा है। अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर सर्विस की। आपको बता दें रामलला के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू होगी। रामलला के दर्शन के लिए यूपी सरकार जल्द ही ये करने जा रही है। अयोध्या में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने जा रही है। ये सर्विस होगी 6 शहरों से, इनमें है गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा और आगरा। शुरू में ये सर्विस जो है इन्हीं 6 शहरों से होगी। गोरखपुर से अयोध्या तक हेलीकॉप्टर से दर्शन करने के लिए 11,327 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लगेगा। वहीं वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज से 14,159 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लिया जाएगा, जबकि मथुरा और आगरा से ये किराया होगा 35,399 रुपए प्रति व्यक्ति। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। इस तरह की तमाम खबरों से अवगत रहने के लिए, देखते रहने के लिए बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।